हेलो फ्रेंड्स, हम पीएल एसक्यूएल ट्यूटोरियल को हम कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएल एसक्यूएल को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके कोड को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि पीएल एसक्यूएल का एप्लीकेशन क्या है, उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एसक्यूएल कमांड को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम पीएल एसक्यूएल के कमांड लिखते हैं तो सबसे पहले आपको सर्वर को ऑन करना पड़ता है। उसके लिए आप लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन। फ्रेंड्स, आपको यहां पर बेसिक सा चीज ये याद रखना है कि सर्वर और आउटपुट के बीच में कोई सा भी स्पेस नहीं होगा। फ्रेंड्स, पीएल एसक्यूएल का प्रोग्राम तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले डिक्लेयर, उसके बाद बिगिन और फिर रन हम करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करके आपको बताते हैं किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं पीएल एसक्यूएल में। यहाँ पे हम डिक्लेयर लिखेंगे सपोर्टेड, एक नंबर है जिसे मुझे डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, तो उसे हम डिक्लेयर पार्ट में लिखेंगे। मैंने नंबर ले लिया ए, जिसे हम इनिशियलाइज कर देता हूँ 5 से। तो फ्रेंड्स, ए मेरा यहाँ पे वेरिएबल हो गया, नंबर मेरा डेटा टाइप हो गया और जो कॉलन होता है पीएल एसक्यूएल में देना जरूरी होता है, उसके बाद ए का जो वैल्यू है 5 मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम बिगिन लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे dbms underscore output dot put underscore line। आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद इस कोड को एंड करेंगे और इस कोड को रन करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 प्रिंट होके आ गया। तो फ्रेंड, अब हम दूसरा प्रोग्राम रन करेंगे जिसमें हम बिना डिक्लेयर पार्ट को बिगिन पार्ट को लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो आप यहां से सबसे पहले सर्वर को ऑन करेंगे, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। उसके बाद हम डायरेक्ट बिगिन लिखेंगे। फ्रेंड्स, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। सेमीकोलन और हम इसे एंड कर देंगे। हम कोड को रन कराने के लिए फॉरवर्ड स्लैश देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब हेलो वर्ल्ड की जगह पे आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले सेट सर्वर आउटपुट ऑन, यहाँ पे बिगिन dbms underscore output dot put underscore line और मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंड लिख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए राइजिंग इंडिया करके आपका प्रिंट होके आ गया। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम पीएल एसक्यूएल का यूज करके हम दो नंबर को ऐड करते हैं और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। थैंक यू।